उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के दिन इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कंपनी का विकास कहाँ तक पहुँचा और अभी हमें इसमें क्या करने की जरूरत है, नए लोगों को भी और जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें भी। शुरुआत हमेशा एक तरह शुरू से करेंगे, देखेंगे कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव तो हुआ है, साथ ही बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। जो पहले पहले यदि हो जाता है ऐसे बदलाव तो काफ़ी अच्छा हो जाता, अभी तक कंपनी एक सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो कर रही होती। हालांकि कोई बात नहीं, देर से ही बदलाव हुआ, अच्छा हुआ बदलाव हुआ। चलिए अब देखते हैं कि इसमें बदलाव क्या क्या हुआ। जैसे आपको पता है कि कंपनी के नाम में सॉफ्टवेयर लगा है, तो पहले बहुत से लोगों को ये दिक्कत थी कि ऐसा लगता था कि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती, जबकि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती थी। और जब हम लोग कंपनी के काम में भी डिस्कशन करते थे, तो जैसे अभी तो कंपनी आपको पता है कि एनबीएफसी कंपनी है, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि एनबीएफसी जो कंपनियाँ होती लोन वगैरह देने का काम करती है। लेकिन पहले जब हम कंपनी के काम देखते थे तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ नहीं हो जाता है कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है। तो ये चीज़ें इसमें बदलाव हुई है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है ना, तो मैनेजमेंट चेंज होने से बहुत सारा फर्क पड़ता है। जैसे कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी का भविष्य काफ़ी बेहतर है, मैं अपने पिछले तमाम वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अभी चलिए अब हम लोग फंडामेंटल समझते हैं। तो मार्केट कब देखेंगे, तकरीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है और स्टॉक का पीई अभी काफ़ी महंगा चल रहा है, 50 के आसपास, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको इस कंपनी में यदि पैसा लगाते हैं तो 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो स्टॉक का शेयर प्राइस तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी यदि पी कम होता तो ज़्यादा बेहतर होता, पी कम होता तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी थोड़ा सस्ता होता। खैर अभी टेक्निकल एनालिसिस जब करेंगे तो वहाँ पे हम पता करेंगे कि कहाँ पे इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बुक वैल्यू से भी कंपनी का शेयर प्राइस कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक का पी महंगा है। आरओई और आरओसी देखेंगे तो निगेटिव में नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। सामान्यतः पी इतना महंगा है और जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका आरओई जो होता है वह भी माइनस में ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, आरओई आपको प्लस में देखने को मिला, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर साल भर में देगी, माइनस में तो नहीं ही जाने देगी। अब चलिए अब हम आ गए हैं 1 साल के चार्ट पर, और 1 साल के चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन आने के बाद काफ़ी दिनों तक इस रेंज में इसमें टाइम बिताया, लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस फिर से ऊपर गया और फिर से तकरीबन इसी लेवल के आसपास जो कि 2 रुपये के लेवल है, इसी लेवल में देखेंगे तो फिर से अब इस कंपनी का शेयर प्राइस आगे टाइम बिताने लगा जहाँ पहले इसने कुछ दिनों तक टाइम बिताया था। अब क्या होगा कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, आपको पूरा विश्वास है कि जब भी इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा ना तो इसे स्टॉक का ब्रेकआउट ही होगा, प्राइस ऊपर ही जाएगा। और इस बार जब ऊपर जाएगा तो कम से कम ये 3-4 रुपये के लेवल तक इजिली आपको जाते हुए दिखेगा, यानी कि चार्ट पर तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट जो चेंज हुआ ही है, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल में भी एक अच्छा बदलाव होते हुए दिख रहा है, एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के फंडामेंटल में, जिस वजह से भी कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस, मतलब ये जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो इस शेयर प्राइस में ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो एक लंबा तेजी स्टॉक प्राइस में देखने को आपको मिलेगा। तो आपको इंडियन इन्फोटेक में एक लंबा ब्रेकआउट देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो व्यक्ति नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जब 2 रुपये 20 पैसे के लेवल को ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा तो वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। देखिए अब बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि देखिए भले 2 रुपया 1 रुपया महंगा मिले लेकिन पूरी कंफर्मेशन के साथ उठाएंगे ताकि बाद में कोई रिस्क नहीं रहे, इसलिए जब शेयर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकले तो वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। अभी अभी पैसा मत लगाएगा, और जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट पहले से वो बने रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी का यदि हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में एक चीज़ मुझे अच्छा देखने को मिला कि जो कंपनी का रिजर्व है, यहाँ पे कैश पैसा होता है वो देखेंगे, रिजर्व पैसा कंपनी का बढ़ते हुए दिखा है। और सिर्फ रिजर्व पैसा ही नहीं बढ़ा है, कंपनी का यदि हम क्वार्टरली जनरल में देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो जाहिर सी बात है जहाँ पहले कंपनी लॉस में थी या कम प्रॉफिट होता था, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अब कंपनी को होने लगा है, कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई है और कंपनी के ऊपर डेब्ट भी नहीं है, और कंपनी का सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व कैश फ्लो जो होता है वो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी ही आएगी, यानी कि इंडियन इन्फोटेक एक ऐसा कंपनी है जो लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। इसलिए यदि लॉन्ग टर्म का आप निवेशक है तो इंडियन इन्फोटेक में बेशक आपको बने रहना चाहिए, इसमें समय देना चाहिए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश की है, यदि कुछ चीज़ें छूट गई तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं अगली बार जब इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक ऊपर तो उसको भी कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ इंडियन इन्फोटेक के बारे में अभी जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।